हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेलनेस डाइट। अगर आज आपको ये गाजर का हलवा एक सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स के साथ सीखना है और इतने सुंदर तरीके से इसको हमने प्रेजेंट करना है तो मेरी पूरी वीडियो तो आज की देखनी बनती है। आप रेस्टोरेंट जाना तो भूल ही जाएंगे। आपको इतना टेम्पटिंग गाजर का हलवा जो कि बनेगा विद ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स। इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाने के लिए देखते हैं इसकी रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स। आइए तो नोट करते हैं अपने गाजर के हलवे के इंग्रेडिएंट्स। हमने लिए हैं गाजर 500 ग्राम कद्दूकस हुई हुई, आप देख सकते हैं इसको, कैश्यूज यानी कि काजू 1 कप, बादाम यानी कि आलमंड्स 1 कप, हमने लिए हैं किशमिश यानी कि रेजिन्स 1 कप, देसी घी लिया है हमने लगभग 250 ग्राम। वैसे ये कम यूज होगा, मैं 100 to 150 ग्राम यूज करूंगी इसको। हमने लिया है मावा, ये हमने मावा को कद्दूकस कर लिया है यानी कि खोया, ये हमने लिया है लगभग 250 ग्राम। चीनी लगभग 200 ग्राम। होप आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मेरी स्क्रीन में अच्छे से दिख रहे होंगे। और साथ के साथ हमारा की इंग्रेडिएंट जो कि है आज का शो स्टॉपर दूध, ये हमने लिया है लगभग 1 लीटर। होप आपको सारे इंग्रेडिएंट समझ आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। पैन को हमने गरम कर लिया है, अपनी बड़ी कढ़ाई ली है। अब डालेंगे इसमें अपना लगभग 3 से 4 चम्मच देसी घी। गाजर के हलवे तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन इस तरीके से जो हलवाई जैसे होते हैं वो घर पे ही बनते हैं, इसका रंग भी वैसा ही बनेगा। घी को अच्छे से गर्म करके अब हम इसमें अपनी गाजर को भूनेंगे। बहुत कम घी लगता है, बहुत कम दूध लगता है और बिल्कुल बाजार जैसा स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनता है। इसको अच्छे से लगभग 15 से 20 मिनट तक हम भूनेंगे ताकि हमारी जो गाजर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और डार्क रेड कलर की हो जाए। देखिए हमारी हाफ स्क्वीज हो गई है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं आपको स्क्रीन में दिखाती हूँ। देखिए ये सॉफ्ट भी हो गई है, देख सकते हैं, और स्क्वीज भी हो गई है, हाफ क्वांटिटी में रह गई है। अब हम डालेंगे अपना इस स्टेज पे आके दूध। गाजर का हलवा अगर इस सर्दी में अपने परिवार को बना के नहीं खिलाया तो कुछ भी नहीं बना के खिलाया। हम हाफ हाफ 2 टाइम्स ये 1 लीटर दूध को इसमें डालेंगे और अपनी फ्लेम को रखेंगे हाई और हमें लिड को कवर नहीं करना, मेक श्योर करना। आप आधा आधा करके 2 बारी में हमें दूध डालना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सूख गया है, अब हम अपना आधा दूध और डालेंगे। अब इसको दूध में हम पकने देंगे। कोई इलायची तो बताना ही भूल गई थी, हम इसमें 2 इलायची भी डालेंगे इस स्टेज पे आके और इसको अच्छे से हिलाएंगे। मेरी लास्ट शॉट को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। होप आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे और जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव वीडियो करूंगी और गिव अवे भी करूंगी। मेरा इंस्टा आईडी भी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि है वेलनेस डाइट 29, WELLNESDIET29। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो करिए। देखिए हमारा दूध बिल्कुल सूख गया है और आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और हमारी गाजरें भी कुक हो गई हैं। अब हम इस स्टेज में अपना 2 चम्मच घी और डालेंगे और घी में इसको अच्छे से भूनेंगे। जब जब इलायची डालने को बोलूं तो इलायची डालना, जब जब दूध डालने के लिए बोलूं तो दूध डालना और जब जब घी डालने के लिए बोलूं तो घी डालना। इसको हम भूनेंगे और ऐसा हमारा घी डाल के अच्छे से भुन गया है हमारी गाजर। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे अपनी चीनी और चीनी से जो गाजर का कलर आएगा वो बिल्कुल बाजार जैसा हलवा बनता है। चीनी आप पहले बिल्कुल मत डालना, आप एंड में ही डालना। ये छोटी छोटी टिप से ही आपका खाना टेस्टी बन सकता है, बना सकते हैं आप।
देख सकते हैं कि चीनी डालते ही अब चीनी अपना पानी छोड़ रही है, और जब ये पानी सूखेगा तो हमारा गाजर का हलवा तो क्या कहना, बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। कैसे देखिए, घी अपना बाहर निकल गया है, साइड्स में आ गया है, ये बिल्कुल भून चुका है और बिल्कुल पानी सूख चुका है, ये देख सकती हैं आप। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ, घी देखिए कैसे साइड से साइड में आ गया है। कितना आसान, और सिर्फ हमने 3 इंग्रेडिएंट्स में अपने गाजर के हलवे को बना लिया है, जो कि है हलवाई स्टाइल का। अब अपनी फ्लेम को बंद करते हैं और इसको ड्राई फ्रूट डालते हैं, इसमें खोया डालते हैं इसमें, क्योंकि ऑयल सेपरेट हो गया है। हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल और बिल्कुल रेडी है। अब आप डालें इसमें कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, कटे हुए किशमिश, साथ में आप डालिए खोया। किसके मुंह में पानी नहीं आएगा इतना टेस्टी हलवा देख के। और इसको खाइए, परोसिए अपने मेहमानों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा। कितना आसान, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में गाजर का हलवा आप लोग अपने घर पे ही बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें इसको एक स्पेशल जार में प्रेजेंट करना है तो वो कैसे करें, आइए वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। देखिए हमने एक सुंदर सा जार ले लिया है, अब इस जार में हम डालेंगे अपना टेस्टी हलवा। इसमें डालेंगे हम पहले अपना गाजर का हलवा, इसको हम अच्छे से टैप करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट की और हमारे मावा की लेयर को। जो चीज खाने में स्वाद हो और दिखने में स्वाद ना हो, मजा नहीं आता, तो दिखने में भी इक्वल टेस्टी होनी चाहिए। अब हम डालेंगे अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट। पहले मैं डाल रही हूं बादाम, काजू, किशमिश, जो फिर हम दोबारा से डालेंगे अपने गाजर के हलवे की लेयर। इसको स्पून से थोड़ा टैप करेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन तो अच्छी होनी ही चाहिए। अब डालेंगे हम अपनी खोए की यानी कि मावे की लेयर, ग्रेटेड करा हुआ हमारे पास पड़ा हुआ था, जो मैंने आपको स्क्रीन में पहले दिखाया था। ये लेयर्स तो इतनी टेम्प्टिंग और इतनी टेस्टी लग रही है, किस किस का मन कर रहा है खाने का मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में हम अपने चॉप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, काजू, बादाम और किशमिश दोबारा एक लेयर में। आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी लेयर्स फॉर्म हुई है, हलवा खोया ड्राई फ्रूट, हलवा खोया ड्राई फ्रूट की। अगर ऐसे आप अपने गेस्ट के आगे प्रेजेंट करेंगे तो उनको आई एम श्योर 5-स्टार होटल या फिर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाके एटलीस्ट गाजर का हलवा तो बिल्कुल नहीं खाना पड़ेगा, वो आपको ही बोलेंगे कि घर पे ही बनाओ। होम कुक फूड भी इतना टेस्टी, इतना इजी, इतना सिंपल और इतना इकोनॉमिकल हो सकता है। मेरे चैनल को देखना ही पड़ेगा, मेरी रेसिपीज को शेयर करिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, हैव अ नाइस डे।